सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल जॉब संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों ये वीडियो हमने आप ही की डिमांड के ऊपर बनाई है, क्योंकि आप बार बार सवाल पूछ रहे थे कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों अब आप तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार बोर्ड के रिजल्ट के रिगार्डिंग। और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कमाल की एजुकेशन जॉब संबंधित वीडियो। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना है स्मार्ट व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो फटाफट से। तो दोस्तों एनडीटीवी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 मई 2018 को बिहार बोर्ड रिजल्ट के रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर देख लेते हैं इस वीडियो में फटाफट से। दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड 10 मई को मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कर सकता है। साल 2018 के 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम bihar.ac.in पर जारी किए जाएंगे। दोस्तों आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर दो तरीके बताए गए, देखते क्या है वो तरीके। दोस्तों 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आयोजित की गई थी। प्रैक्टिकल एग्जाम 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में हुए थे। पहला तरीका रिजल्ट चेक करने का ये है कि आपको bihar.ac.in पर लॉग ऑन करना पड़ेगा। बाद में आपको लिंक मिल जाएगी 10th मैट्रिक रिजल्ट को चेक करने की, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको अपना रोल नंबर वहाँ पर डालना पड़ेगा और इंटर करते ही आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट चाहे तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका बताया गया है कि आपको SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट मिल जाएगा। आपको SMS करना पड़ेगा BSEB10 स्पेस रोल नंबर लिखकर आपको 56263 पर आपको SMS करना पड़ेगा, और बाद में आपके मोबाइल पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। गौरतलब है कि इस बार 1,77,042 स्टूडेंट ने बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दी थी, वही 12,07,986 स्टूडेंट ने 12वीं की परीक्षा में वो बैठे थे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए और जैसे रिजल्ट आए आपको पता चल जाए इसी चैनल के माध्यम से। तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाओ और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।